नगर विकास के प्रमुख सचिव के निर्देश पर 22 जून से नाला और नालियों की सफाई का ड्रोन कैमरे से निगरानी करके उसकी रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में शासन को भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसका अनुपालन गोरखपुर नगर निगम करने लगा है। जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद के नगर निगम के अंतर्गत कुल 257 नाले आते हैं, जिनमें 13 बड़े नाले हैं, 117 मंझले नाले हैं और छोटी नालियां हैं। नाली की सफाई के लिए नगर निगम ने बाहर से किराए पर बड़ी वाली पोकलेन मशीन मंगाई है और यूपी में गोरखपुर नगर निगम ने अपनी जल पुलिस बनाई है, जो 10 किलोमीटर में सबसे बड़ा गोड़धोया नाला है, जिसमें 25 से 30 वार्डों का पानी रामगढ़ताल, राप्ती और रोहिणी में जाता है। इसकी सफाई के लिए मल्लाह साथी के साथ एक सुपरवाइजर के नेतृत्व में जल पुलिस बनाई गई है, जो तालाब में जो जलकुंभी घास को काटकर सफाई करके उन्होंने बताया कि नगर विकास के प्रमुख सचिव के निर्देश पर 22 जून को नगरीय इकाइयों में नाला और नालियां सफाई कराए जाने के संबंध में उसका ड्रोन कैमरे से सर्वे कराया जाए। नगर इकाई में बड़े से छोटे नाले, जिनका ऐसे नाले जिनका सफाई का कार्य पूरा हो चुका है और बाकी नालों का सफाई ना होने के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, इनका ड्रोन कैमरे से सर्वे कराया जाएगा और ड्रोन कैमरे से निगरानी के दौरान नाले की लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई निर्धारित प्रारूप पर फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफी पेन ड्राइव माध्यम से इसको उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पांचों जोन में अपने जोनल अधिकारी और जोनल सैनिटरी अफसर को कैमरा और कैमरामैन उपलब्ध कराया गया है कि जल्द से जल्द निरीक्षण करके सफाई का कार्य पूरा किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, जैसा कि आप सभी लोगों के संज्ञान में हैं, गोरखपुर नगर निगम के अंतर्गत कुल मिलाकर 257 नाले आते हैं, जिनमें से 13 बड़े नाले, 117 मझोले नाले और शेष छोटी नालियां हैं। और इनमें से पिछले वर्ष के अनुभव को देखते हुए जहां जहां पर जलभराव की समस्या पैदा हुई थी, उस अनुभव से सबक लेते हुए, उससे सीखते हुए हम लोगों ने इस बार फरवरी के एंड से ही इन समस्त नालों की तलीझाड़ सफाई के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया था। और इस बार पहली बार हम लोगों ने, गोरखपुर नगर निगम ने बाहर के अन्य जनपदों से बड़ी वाली पोकलेन मशीन किराए पर मंगाई और इसके साथ साथ पहली बार यूपी के किसी नगर निगम ने अपनी जल पुलिस बनाई। चूँकि जो यहाँ का सबसे बड़ा गोड़धोया नाला है, जो कि लगभग 10 किलोमीटर लंबा है और जिससे कि 25 से 30 वार्डों का पानी होता हुआ रामगढ़ के माध्यम से राप्ती और रोही नदी में जाता है, उसकी सफाई के लिए हम लोगों को ने जहाँ पर हमारी पोकलेन मशीन नहीं जा पा रही थी, मैनुअली हम नहीं करा पा रहे थे, वहाँ पर हम लोगों ने अपने जो मल्लाह साथी हैं, जो जिनके पास अपनी नाव थी, ऐसे लोगों की 12 सदस्यीय एक सुपरवाइजर के नेतृत्व में एक जल पुलिस बनाई और उनको जो एक जलकुंभी, टोरो प्लांट आदि को जो काटने वाले झबाऊ आदि जो उनके पास औजार थे वो उनको उपलब्ध कराए गए। इसके साथ साथ हम लोगों ने उन सभी लोगों के लिए जो गमबूट, दस्ताने, जो अन्य जो जैकेट, लाइफ सेविंग जैकेट आदि की भी व्यवस्था कराई और इसके माध्यम से हम लोगों ने पूरे गोरखपुर नाले की तली झाड़ जो है सफाई करने में हम लोग सफल हुए। और उस समय भी जब चूंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इस मामले में इतनी मतलब उनकी जिज्ञासा थी कि और कड़े निर्देश थे, हम लोगों ने वहाँ पर पूरे युद्ध स्तर पर गोरखपुर नाला के 10 किलोमीटर की सफाई की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मुख्य सचिव महोदय ने खुद इसको ऑन द स्पॉट स्थली निरीक्षण करते हुए इस सफाई को देखा। और उस समय भी हम लोगों ने पूरे इस नाले की सफाई को ड्रोन कैमरे से इसको कवर किया था। लेकिन इधर जो है 22 जून को जो हमारे मुख्य सचिव महोदय, प्रमुख सचिव महोदय हैं नगर विकास के, उनकी तरफ से जो जियो आया है कि जो नगरीय निकायों में नाला नालियों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में उसका ड्रोन कैमरे से सर्वे कराया जाए।
इसका मुख्य उद्देश्य है कि निकायों में स्थित ऐसे सभी बड़े नाले जिनका सफाई का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा ऐसे नाले जिनका सफाई कार्य न होने के कारण पूर्व में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, इनको ड्रोन कैमरे से सर्वे कराया जाना है। और हम लोगों ने इस ड्रोन कैमरे से सर्वे कराए जाने के पश्चात उन नालों की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई एवं गहराई निर्धारित प्रारूप पर उसके फोटोग्राफ्स एवं वीडियोग्राफी पेन ड्राइव के माध्यम से इसको उपलब्ध कराना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ मतलब बड़े नालों की जो वीडियोग्राफी कह लीजिए कि ड्रोन कैमरे के माध्यम से हम लोग पहले भी करवा रहे थे, लेकिन चूंकि जब से शासनादेश आया हमने इसकी शुरुआत है बड़े पैमाने पर कर दिया है। हमारे पास 5 जोन हैं और 5 जोन में हम लोगों ने अपने जोनल अधिकारी और जोनल सेनेटरी ऑफिसर के निवर्तन पर एक एक ड्रोन कैमरा कैमरामैन के उनको उपलब्ध करा दिया है कि जितने बड़े नाले और मझोरे नाले जिसकी वो सफाई करा चुके हैं और जो सेकंड राउंड हमारा सफाई का चल रहा है, जैसे कि आज सेकंड राउंड के तहत हम लोगों ने जो गोरखनाथ पूजनीय गोरखनाथ मंदिर के ठीक सामने वाली जो रोड है उस पर जिसपे कि एक बार सफाई हो चुकी थी, लेकिन चूंकि उस पर बड़े बड़े स्लैब रखे हुए थे वहाँ पर हम लोगों ने बड़ी वाली पोकलेन मशीन, 3 पोकलेन मशीन, 1 JCB, 3 हाइवा, ट्रैक्टर ट्रॉली आदि लगवा कर तली झाड़ सफाई करवा रहे थे। और आज हम लोगों ने वहाँ पर ड्रोन कैमरे के माध्यम से उसका पूरा जो है एक सर्वे किया है और उसकी सफाई किस प्रकार से हो रही है उसका भी एक वीडियो भी ड्रोन कैमरे के माध्यम से तैयार किया है, जिसको कि हम लोग बहुत शीघ्र जो है शासन भी भेजेंगे। तो निश्चित रूप से यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि ड्रोन कैमरे के माध्यम से हम बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेते हैं, जहाँ तक कि हमारे हम फोटोग्राफ के माध्यम से या जो वीडियोग्राफी के माध्यम से नहीं कर पाते हैं। और ड्रोन कैमरे के माध्यम से करने पर कहाँ पर हमको किस प्रकार से किस जगह ज़्यादा जंगली प्लांट्स आ गए हैं, किस जगह पर सिल्ट ज़्यादा है, इन सब चीज़ों का बड़ा अच्छा आकलन हो जाता है। तो निश्चित रूप से इससे जो हमको बड़े नाले मझोले नालों की सफाई करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और ये अभियान जो है लगातार जारी रहेगा और इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इधर अभी गोरखपुर में मानसून नहीं आया है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको जो लगातार ये बोनस पानी वर्षा नहीं हो रहा, ये बोनस पॉइंट मिल रहा है, इसीलिए लगातार हमको जहाँ भी कुछ भी खबर मिल रही है हम लोग लगातार उन नालों की सफाई करा रहे हैं। जो नाले हो चुके हैं हमारा द्वितीय चरण भी चल रहा है, कुछ नालों को हम तीसरे चरण में भी जा रहे हैं। पूरा उद्देश्य है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा हम लोगों से हैं उन अपेक्षाओं पर नगर निगम पूरी तरह से खरा उतरे।